नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक का बड़ा ऐलान, अब हर एटीएम पर होगा कार्डलेस निकासी की सुविधा। मध्य प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली मीटरों में लगेंगे क्यूआर कोड, 47 पैसे आएगा खर्च, मिलेगा सटीक बिजली बिल। गहलोत सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत, कर्ज चुकाने के लिए मिलेगा 2 महीने का अतिरिक्त समय। यूपी में 1 लाख से अधिक लाउड स्पीकर उतारे गए, सीएम योगी का सख्त आदेश, दोबारा लगे तो होगी कार्रवाई। ओला और उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी कंपनियों पर कसेगा सिकंजा, बुकिंग रद्द करने और किराया तय करने का पूछा जाएगा आधार। देश में 3 साल के भीतर 5 गुना बढ़ा साइबर क्राइम, सरकार ने संसदीय पैनल को बताए आंकड़े। देश में 30% महिलाएं हिंसा की शिकार, शराबी पति ज्यादा करते हैं मारपीट, NFHS की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। गुजरात की 14.8% आदिवासी आबादी को लुभाने में जुटी पार्टियां, बीजेपी आप के बाद अब राहुल गांधी की बारी। बड़ी महंगाई ने किया जीना मुहाल, गुजरात में 300 रुपए किलो हुआ नींबू, तो देश भर में सब्जियों के दाम छू रहे हैं आसमान। हिमाचल विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई, घटना को नहीं करेंगे बर्दाश्त सीएम जयराम ठाकुर। राज्यों में जुटाई जाएगी बुजुर्गों से जुड़ी सारी सुविधाएं, केंद्र ने मांगा प्लान, बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देख केंद्र ने उठाया कदम। आज दिख सकता है आसनी तूफान का असर, बंगाल की खाड़ी में मंडरा रहा है खतरा, अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां। आवास योजना के तहत बनाए गए 3 करोड़ मकान, पीएम मोदी ने बताया महिला सशक्तिकरण का प्रतीक। योगी सरकार जल्द दे सकती है बुजुर्ग महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री यात्रा का तोहफा, सरकार अगली कैबिनेट की बैठक में इसे लागू कर सकती है। गृह मंत्रालय ने रिटायर्ड CRPF BSF जवानों के लिए लॉन्च किया CAPF पुनर्वास पोर्टल, पूरी करेगा रोजगार की तलाश। विशेषज्ञ ने कहा रूस पूरी तरह से यूरोप से एशिया की ओर गैस निर्यात को कर सकता है डाइवर्ट, 2025 तक और बढ़ेगी मांग। उत्तराखंड में फर्जी निकले 6.46 लाख राशन उपभोक्ता, सरकार के सत्यापन अभियान में हुआ खुलासा। दूध खरीदना दोबारा होने वाला है महंगा, क्योंकि लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग की बढ़ती लागत से कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार कृषि के साथ पशुपालन को बढ़ावा देकर किसानों को पहुंचा रही है फायदे, बांटे गए क्रेडिट कार्ड। पंजाब में गैंगस्टर्स पर कसेगी नकेल, सीएम भगवंत मान ने पुलिस कमिश्नर और SSP को लिखी चिट्ठी, अभियान चलाने को कहा। 25 से 30 साल की उम्र के लोग भी अब हो रहे हैं टीवी का शिकार, ये शरीर के कई अंगों तक फैल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने सुखोई लड़ाकू विमान के बेड़े को अपग्रेड करने की योजना को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाला। हरियाणा में आगे भी भाजपा के साथ मिलकर चलेंगे चौटाला, गठबंधन में ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी जजपा। चना उत्पादकों के लिए राहत की खबर, किसान अब 5 क्विंटल से अधिक फसल भी MSP पर बेच सकेंगे। भारत में LPG गैस का भाव दुनिया में सबसे ज्यादा, पेट्रोल रेट में 3रे पायदान पर हम, आम आदमी का जीना हुआ मुश्किल। घर में रहे बुरका पहने, मर्दों को संतुष्ट करें, अफगानिस्तान में महिलाएं अब सिर्फ सेक्स करने की चीज हैं। कैबिनेट बैठक, अब राशन की दुकानों पर पोषण युक्त चावल मिलेगा, स्कीम पर सालाना 2700 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। भुवन आधार पोर्टल विकसित करेगा NRSC, देश भर के आधार केंद्रों के लोकेशन की मिलेगी जानकारी। नए सुरक्षा नियम, बाइक पर बच्चे के लिए हेलमेट, 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की लिमिटेड स्पीड अनिवार्य। अब आप अपने गाँव से भी मंगा सकेंगे रेलवे के जरिए सामान, जल्द ही शुरू होगी डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस। कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए सीवर के पानी पर नजर, हिंसा काग ने 15 राज्यों में 19 जगहों पर शुरू की निगरानी। गोबर के बाद गौमूत्र भी खरीदेगी छत्तीसगढ़ सरकार, भेंट मुलाकात अभियान में सीएम भूपेश बघेल ने किया इन विकास कार्यों का ऐलान। मुंबई को केंद्र शासित राज्य बनाना चाहती है BJP, गृह मंत्रालय में इसकी चर्चा भी हुई, मेरे पास इसके सबूत, संजय राउत। पंजाब नेशनल बैंक ने FD की ब्याज दरों में किया बदलाव, अब मिलेगा अधिकतम 5.10% ब्याज। हरिद्वार में RSS संघ का 2024 चुनाव पर चिंतन,
गांव-गांव तक शाखा, सरकार संघ में बेहतर तालमेल और दलितों पिछड़ों को साथ लाने पर फोकस। दूर हो जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल मालिकों की चिंता, दिसंबर तक लागू हो जाएगी बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। सीएम योगी ने दी बुंदेलखंड को सौगात, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुरू होगा 500 बेड का अस्पताल। चीन की चाल का हुआ खुलासा, हैकरों ने पावर ग्रिड सिस्टम को बनाया निशाना, पीएलए से जुड़े हैं तार। विश्व को खाद्य संकट से उबारने में भारत की पेशकश पर होगी विचार, अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में मंत्री स्तरीय बैठक। गहलोत बने गौरक्षक, सीएम गहलोत बोले गौशालाओं को 6 की जगह 9 महीने मिलेगा अनुदान। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अनाजों के दाम अपने उच्चतम स्तर पर, आसमान छू रही कीमतों से दुनिया में हाहाकार। योगी सरकार यूपी में 5 साल में 6% बढ़ाएगी हरियाली, 175 करोड़ पौधा रोपण का लक्ष्य। पीएम मोदी और आरएसएस के खिलाफ गठबंधन की तैयारी में राहुल गांधी, बोले विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए। बिहार में किसानों को खेतों में कंबाइन हार्वेस्टर चलाने के लिए पहले जिला प्रशासन से लेनी होगी अनुमति। वोट शेयर बढ़ाने के लिए कांग्रेस की नई रणनीति, चिंतन शिविर की बातों पर रहेगा जोर। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और आतंकी गुटों के बीच बैठक, कश्मीर में घुसपैठ करने की रची साजिश, लॉन्च पैड पर पहुंचाए गए दहशतगर्द। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र को मिलेगी रफ्तार, सरकार ने गठित की उच्च स्तरीय प्रमोशन टास्क फोर्स। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। राज्यों में जुटाई जाएगी बुजुर्गों से जुड़ी सारी सुविधाएं, केंद्र ने मांगा प्लान, बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देख केंद्र ने उठाया कदम। जी हाँ, देश में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्यों को अब बुजुर्गों से जुड़ी सभी जरूरी सुविधाओं को निचले स्तर तक जुटाना ही होगा। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ी मुहिम शुरू की है, जिसमें सभी राज्यों से बुजुर्गों से जुड़ी सुविधाओं को जुटाने का प्लान मांगा है। इनमें बुजुर्गों के स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं को प्राथमिकता से रखने को कहा गया है। फिलहाल केंद्र ने सभी राज्यों से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इस प्लान को अगस्त 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से भेजने को कहा है। केंद्र में बुजुर्गों से जुड़ी सुविधाओं को जुटाने के लिए काम कर रहे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वैसे तो यह मुहिम वर्ष 2036 को लक्ष्य करके शुरू की है, जब देश में बुजुर्गों की संख्या लगभग 23 करोड़ होगी, जो देश की कुल आबादी का करीब 15% होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आप अपने गांव से भी मंगा सकेंगे रेलवे के जरिए सामान, जल्द ही शुरू होगी डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस। जी हां, रेलवे अपनी कमाई बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा है, बदलते समय में केवल पैसेंजर किराया और सामान्य माल ढुलाई से काम चलता नहीं दिख रहा है, इसलिए नए विकल्प के तौर पर रेलवे अब डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस शुरू करने जा रहा है। इस नए काम में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर और पोस्ट विभाग भी शामिल होंगे। रेलवे इसके लिए नए मॉडल पर काम कर रहा है। रेलवे अब आपके सामान की डिलीवरी करेगा, इसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप की मदद से आप डिलीवरी का ऑर्डर देंगे और रेलवे आपके घर तक सामान पहुंचाएगा। आम भाषा में कहें तो जैसे ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियां आपके ऑर्डर की घर पर डिलीवरी करती है, वैसे ही अब रेलवे भी करेगा। आपको रेलवे के मोबाइल ऐप पर ऑर्डर देना होगा, उसका शुल्क चुकाना होगा और सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली मीटरों में लगेंगे QR कोड, 47 पैसे आएगा खर्च, मिलेगा सटीक बिजली बिल। जी हां, मध्य प्रदेश के जबलपुर में बिजली विभाग के 3 दिवसीय मंथन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जहां पर प्रदेश के तीनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने बिजली उपभोक्ताओं को सटीक बिजली बिल देने के लिए हर मीटर पर QR कोड लगाने की तैयारी की है। इतना ही नहीं, अमूमन बकाया बिजली बिलों के लिए बदनाम रहने वाले सरकारी महकमों को भी प्रीपेड मीटर ही दिए जाएंगे। एक QR कोड चस्पा करने पर 47 पैसे खर्च होंगे। हालांकि 10 किलोवाट भार वाले और ST उपभोक्ता को इससे बाहर रखा गया है। बता दें कि 3 महीने के भीतर ही प्रदेश के तीनों कंपनियों के सभी घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के मीटर में QR कोड चस्पा किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, गहलोत सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत, कर चुकाने के लिए मिलेगा 2 महीने का अतिरिक्त समय। जी हां, राजस्थान में किसानों को सरकार ने बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फसली ऋण जमा करवाने की अंतिम तारीख को 30 मार्च से बढ़ाकर 30 जून करने की घोषणा की है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि राजस्थान सरकार के सहकारी बैंकों से लिए गए अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋणों को जमा करवाने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 जून तक करने का फैसला किया गया है। बता दें कि गहलोत सरकार के इस निर्णय के
बाद किसानों को ब्याज मुक्त ऋण भुगतान के लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय मिल सकेगा। इसके साथ ही किसानों को कोई ब्याज नहीं देना होगा। वहीं ऋण चुकाने पर किसान आगे फिर से लोन लेने के भी पात्र हो सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए सुरक्षा नियम, बाइक पर बच्चे के लिए हेलमेट, 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की लिमिटेड स्पीड अनिवार्य। जी हां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज दोपहिया वाहनों पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए नए सुरक्षा नियमों को नोटिफाई किया है। नए यातायात नियम सवारों के लिए बच्चों के लिए हेलमेट और हॉर्नेस बेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य बनाते हैं और साथ ही टू व्हीलर्स की स्पीड को केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित करते हैं। नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियम को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह नियम 4 साल तक के बच्चों को कवर करता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।